नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार को राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में मौजूद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लॉ के छात्र छात्राओं से भी वार्तालाप कर उन्होंने कहा कि एक अच्छा व्यक्तित्व रखना है तो बुरी आदतों को छोड़ना होगा और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। इस दौरान आज़ादी के लिए शहादत देने वाले देशभक्तों से संबंधित पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इतने मेरे देश के मैंने देश के लिए कुर्बानी की, उन लोगों का भी थोड़ा इतिहास। बहुत से लोग हैं, कुछ लोगों का नाम तो मालूम है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं हरियाणा में, पंजाब में, या यूपी में, बिहार में, भाजपा राजस्थान, बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, कुर्बान किया, उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं। वैसे लोगों के बारे में भी जानकार लेना चाहिए। अंत में इतना ही कहूंगा मैं, आजादी का अमृत महोत्सव है, इसमें आप लोग इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो लोग तो देश के लिए कुर्बान किया, देश के लिए अपना जान दिया, लेकिन आज हम क्या करना है, हम जान देने का जरूरत है, लेकिन देश का मान बढ़ाने का जरूरत है। देश का मान बढ़ाना, देश का मान बढ़ाना बोले तो स्वच्छ रहना और भ्रष्टाचार जैसे सोशल इवेंट्स है उसे दूर रखना और न्याय बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, सच्चाई पर चलना और हिंसा प्रवृत्ति नहीं रहना। अरे वायलेंट नेशन है, शांत से पढ़कर नॉलेज देकर हमारे देश के लिए हम भी कुछ करेंगे, ऐसा आप लोग विचार करते हैं। और मुझे खुशी है अच्छे नंबर में महिला आए इस कॉलेज में, आउट ऑफ 150 हाउ मेनी गर्ल्स, 50 अच्छे, ठीक है। लेकिन लड़कियां भी जो है काफी आगे बढ़ रही, हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ रही। मैं इस बीच में महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी गया था, यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था और गोल्ड मेडल प्रदान किए, 24 गोल्ड मेडल दिया, 24 में से 18 जो है लड़कियां थी,